डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। अब उल्टा कर दो, तो पहले क्या किया था, डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम टक्कर से पहले और बाद सेम है, ये प्रूव करो क्या यूज करके, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब क्या करना है, न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना है बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सेम डायग्राम बनाओ, इसमें आखिरी स्टेप ये है, आप डेरिवेशन में पहला स्टेप ये लिख दो, फिर अगला स्टेप ये लिख दो, फिर अगला स्टेप ये लिख दो, फिर बोल दो ये इम्पल्स है, डेल्टा टी काट दो, हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, हो गया डन, हो गया। पहले सीधी डेरिवेशन लिख लो, फिर रफ में उसकी उल्टी लिख लो, हो गया डन, हो गया प्रूफ।